नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। राजद के कार्यकर्ता और राजद की तरफ से जो है राजभवन मार्च निकाला जाएगा। राजभवन मार्च इसलिए निकाला जाएगा, बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है और लगातार तेजस्वी यादव जो है ग्राफ भी जारी कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर जो है, और साथ ही साथ आवाज भी उठा रहे हैं कि आखिर कब तक जो है बिहार में आपराधिक घटनाएं होते रहेंगी। इन्हीं सब तमाम विषयों को लेकर हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान है, राजद के प्रदेश प्रवक्ता है। क्या कहिएगा आप लोग राजभवन मार्च कर रही है? देखिए, बिहार में जो अभी स्थिति है और सरकार जो 17-18 सालों से जदयू और भाजपा की है, और ये लोग बार बार कह रहे थे कि 15 साल पहले क्या था, तो 15 साल पहले तो भाई सामाजिक न्याय की लड़ाई हुई थी जिसमें गरीब पिछले दलित शोषित लोगों को आगे आने का मौका मिला, और उसका वो डर दिखा रहे थे, भय दिखा रहे थे। ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि 17-18 सालों में इन्होंने बिहार की क्या दुर्दशा, क्या हशर किया। प्रतिदिन लोगों की हत्याएँ हो रही हैं, प्रतिदिन बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े लूट लिया जा रहा है दुकानों को। आज लोग सुरक्षित नहीं है, घर से निकल रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें पता नहीं है कि सामने वो लूटे हुए लौटेंगे या किस स्थिति में लौटेंगे। और नीतीश जी सूझ नहीं ले रहे हैं भाई, नीतीश जी 6 महीने से दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ थे, कहाँ हैं? हमारे साथ तो बड़े बोलते थे, हर मंच पर बोल रहे थे। वो स्वेच्छा थी, स्वतंत्रता थी, काम करने की आज़ादी थी, है ना? लेकिन अभी क्या है, दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक अपनी जोरों से दिखाई है कि भाजपा के दबाव में नीतीश कुमार कार्य कर रहे हैं। भाई दिख तो रहा था ना, हमने तो वो दृश्य भी देखा कि नीतीश जी के हाथों में कमल का फूल, देखा था ना आपने? नहीं दिखाया तो मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ, दिखाइएगा दर्शकों को, याद दिला दीजिएगा। ये वही नीतीश कुमार हैं जो हाथ में कमल का फूल लेके घूम रहे थे। क्या विवशता थी उनकी, उनके चेहरे पे दिख रहा था। किस दबाव में थे वो भी उनके चेहरे पे दिख रहा था। और आज बात देखिए, आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं क्योंकि आज जिस तरीके से पूरा बिहार हमारा जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से जूझ रहा है, कोई विधि व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। ये वही सरकार है जो कहा कर रही थी कि भाई एकदम 100% शराबबंदी है। कहाँ शराबबंदी है भाई, प्रतिदिन लोग पकड़े जा रहे हैं, पी करके पकड़े जा रहे हैं, यानी कि शराब आ रहा है। और कौन लोग हैं भाई, इनके ही जैसे जुआ, डी से दारू और यू से यूनाइटेड, कौन है ये लोग, किनके पदाधिकारी हैं जो जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं? कौन है वो लोग जिनके घरों से शराब का जखीरा प्राप्त हो रहा है? सोचने की बात है कि जो लोग शराबबंदी के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर का डर दिखा करके आज लोगों के ही जान और माल का आज सुरक्षा नहीं है आज बिहार में, इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल आज सड़क पर उतरी है क्योंकि बात आज बिहार की जनता के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से आज हम लोग उसके लिए आज सड़क पर उतरे हैं। जगह जगह पे प्रशासनिक सेवाएं दुरुस्त कर दी गई है, जगह जगह पे प्रशासनिक अधिकारी जो है मौजूद है। क्या लगता है कि राजभवन तक आप लोग पहुंच पाइएगा? देखिए, ये सरकार के लिए तो यही कहूँगी कि जब जब नीतीश जी डरते हैं तब तब पुलिस को आगे करते हैं। देश हमारा स्वतंत्रता को प्राप्त किया ऐसे ही आंदोलनों से, और आज हमारे कहीं ना कहीं लगता है कि कई ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता है क्योंकि केंद्र से लेकर के बिहार तक में जो अराजकता फैली हुई है, जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी जो आज शासन में बैठे हुए लोग, इनसे आज़ादी तभी मिलेगी जब हम लोग सड़क पे उतरेंगे, मजबूत विपक्ष जो है अपनी आवाज़ उठाएगा और जनता जब अपने वोट्स के चोट से इनको बाहर करेगी। ये थे हमारे साथ सारिका पासवान, जिनका साफ तौर पर यह कहना कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएँ घट रही है और सरकार और प्रशासनिक सेवाएँ जो है पस्त हो गई है, ऐसे में सारिका पासवान कह रही हैं कि हम लोग जो है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, लगातार हम लोग जो है राजभवन मार्च निकालेंगे, साथ ही साथ संदेश देने का काम करेंगे। जब तक जो है आपराधिक घटनाएं कम नहीं होती हैं तब तक हम लोग जो है आवाज़ उठाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।